अब प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत अपना संबोधन यहां पर देंगे। क्या कुछ वो सूरतगढ़ और बूंदी के बाद यहां पर अपने संबोधन के दौरान कहते हैं, सुनना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष व हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, विवेक बंसल जी, यहाँ उपस्थित हमारे जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने आयोजित किया, प्रवीण चक्रवर्ती जी, सचिन राव जी, शशांक जी, हमारे अपने साथी विशाल मीणा जी, महेश शर्मा जी और मुमताज मसीह जी, जिनके कारण से ये प्रोग्राम संभव हुआ ट्रेनिंग का, और तमाम हमारे उपस्थित मंच बैठे हुए तमाम हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित हमारे बहुत नौजवान साथीगण, प्रशिक्षण देने वाले भी और प्रशिक्षण लेने वाले भी मेरे साथीगण, मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में हैं। इसके पहले कि मैं अपनी बात कहूं, हमारे जो साथी आज सम्मिलित हुए पार्टी के अंदर, घनश्याम तिवारी जी के नाम आपने सुन रखा है, 50 साल तक वे आरएसएस और बीजेपी में रहे, जनसंघ में रहे, परंतु आप कल्पना कर सकते हैं जिसने बचपन से जिसने आरएसएस बीजेपी में जीवन बिताया हो, क्या बीत रही देश के अंदर, क्या बीत रही प्रदेश के अंदर, क्या हालात है जिसके लिए तमाम विपक्ष कहता है देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में आज देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है और देश को खतरा है। ये भावना जब दिलो दिमाग आती है तो आदमी को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, वरना कोई कल्पना नहीं कर सकता था घनश्याम तिवारी कभी कांग्रेस ज्वाइन करेगा, किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो आज हमारे बीच में आए, मैं उनका आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, मैं सब साथियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जनार्दन गहलोत हमारे अपने हैं, बचपन से यूथ कांग्रेस राजनीति करते करते शिखर पर पहुंचे, वो कुछ कारण ऐसे रहे जिसके कारण से वो हमें छोड़े चले गए। मुझे बेहद खुशी है कि वो भी हमारे परिवार में वापस शामिल हो गए हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। डूंगराम गैदर जी बीएसपी के बहुत बड़े नेता हैं, राजस्थान के घर घर में उनका नाम है, उनका काम बोलता है, अपनी पहचान बनाई है बीएसपी के अंदर, वो भी आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी आपकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र गोयल जी शुरू से ही 80 से ही विधायक रहे, मंत्री रहे, मंत्री भी रहे और अभी हाल ही मंत्री थे, उन्होंने फैसला किया कांग्रेस आने का, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विष्णु लाटा जी अभी हाल ही मेयर बने हैं जयपुर के, आज वो भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पोचा राम जी रजनगढ़ से, उन्होंने पुनः ज्वाइन किए कांग्रेस पार्टी, और हमारे तमाम जो एसोसिएट मेंबर हैं विधायक लोग, कुछ कारणों से पिछले बार वो चुनाव में खड़े हो गए, जीत के आ गए, पर क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ में, वो अपने नेता राहुल गांधी को मानते हैं, कांग्रेस की नीतियाँ, कार्यक्रम, सिद्धांत में उनका यकीन है, आज उन्होंने तय किया कि हम लोग सब एसोसिएट मेंबर की तरह से विधानसभा में कांग्रेस को सहयोग करेंगे। उन सब की इच्छा है कि वो राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहते हैं, मैं नाम बोलूँगा और वो आते जाएंगे, स्वागत करेंगे राहुल जी का। श्री लक्ष्मण मीणा जी, श्री सेम लोढ़ा जी, महादेव जी सिंह खंडेला,
आलोक बेनीवाल जी, रामकेश मीणा जी, कांति प्रसाद मीणा, बाबूलाल जी नागर, राजकुमारी गौड, रमीला कुड़िया जी, सुरेश जी टाक किशनगढ़, बलजीत यादव बेरोड, इन तमाम शादियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें सहयोग देने का निश्चय किया। पूरे जैसा भी सचिन पायलट जी ने आपको और अविनाश पांडे जी ने आपको आह्वान किया, आज जो ये सभा है ये लीक से हटके हैं। मैं भी गया था, जब टेनिस टैंक कैंप हुआ तो मैं खुद गया था, अविनाश जी थे, सचिन पायलट जी थे। इस प्रकार से प्रेसिंग प्राप्त करके जो हमारे साथियों ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 197 विधानसभा क्षेत्रों में गए वो लोग, और जाकर के आपका चयन किया, आपको ट्रेनिंग दी, और उसके उपरांत में आज ये तमाम राजस्थान के उन प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। एक तरफ मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करके ट्रेनर्स के रूप में आपको वहाँ जा करके मेहनत करी, एक एक लोकसभा क्षेत्र में 8-8 दिन गुजारे, उसका प्रतिफल है कि आज आप लोग किसी उत्साह के साथ में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी खुद रुचि ले रहे हैं शक्ति के प्रोग्राम में, और जिस प्रकार प्रवीण चक्रवर्ती जी ने इस प्रोग्राम को अंजाम दिया है पूरे देश के सब राज्यों में, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत से, उनकी सूझबूझ से प्रोग्राम आगे बढ़ा, और राहुल जी चाहते हैं जिस प्रकार कांग्रेस के तिरंगा झंडा, जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा था जब उनको पूछा गया आपका धर्म क्या, तो तिरंगा झंडा मेरा धर्म है, राहुल जी चाहते हैं कि किस प्रकार की कांग्रेस बने आने वाले फ्यूचर के अंदर। उनकी मंशा है कि किस प्रकार एक गांव में बैठा हुआ इंसान भी जो कांग्रेस की नीतियां, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जमाने से बनी और चली आ रही है, अंबेडकर जी ने संविधान बना दिया, उसी कारण से आज 70 साल के बाद में भी ये देश कहाँ का कहाँ पहुंचा है सबको मालूम है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोगों को मालूम नहीं था, आज सब कुछ इस देश के अंदर है, सबके जहन में है। पर फिर भी हमें उन लोगों से जिनका लोकतंत्र यकीन नहीं है, वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 70 साल के अंदर। अरे कांग्रेस ने सब कुछ किया, लोकतंत्र जिंदा रखा, इंदिरा गांधी जी इंदान जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, बांग्लादेश आजाद करवा दिया, 90,000 कर्नल जनरल को सरेंडर करवा दिया हथियारों के साथ में, त्याग बलिदान कुर्बानी का इतिहास लंबा है, आजादी के पहले का भी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व ने 10-12 साल तक जेल में गुजारे से वो क्या मुकाबला करेंगे। अरे मोदी जी, आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपको सेल्फी लेते हो, किसने सिखाया आपको? राजीव गांधी ने सिखाया आपको, मोबाइल फोन नहीं आता सेल्फी लेना नहीं सीखते। इस प्रकार के आप जुमले बोल के कब तक राज करोगे? समय आ गया फैसला करने का। किस प्रकार से झूठ बोल के काले धन की बात की गई, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात की गई, महंगाई कम करने की बात की गई,
सभी मोर्चे में फेल हो गए। अब वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, क्या हम राष्ट्रभक्त नहीं? हम लोग उनकी पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं मुद्दों पे आइए, किसान का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है, नौजवानों के लिए महंगाई का मुद्दा है, राइफल का मुद्दा है, चुप्पी साध रखिए। इसलिए राहुल जी जो चाहते हैं कि ये जो आप लोग बैठे हुए हो, ये मीटिंग एक अपना आप में ऐतिहासिक मीटिंग है, क्योंकि मैं भी बचपन में आपकी तरह ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ हूँ, ट्रेंड हूँ मैं भी, सेवा दल का भी हूँ, और वैसे मैंने ट्रेनिंग की है गांधी पीस फाउंडेशन के कैंप अटेंड किए हैं। मुझे मालूम है कि ट्रेनिंग के अंदर जाने के बाद में आदमी का व्यक्तित्व और कर्तित्व बदल जाता है। कांग्रेस आपसे अपेक्षा करेगी, आप में ही आने वाले वक्त के अंदर देश और प्रदेश के अंदर नेता बनेंगे, आपका व्यक्तित्व आपका कर्तित्व काम आएगा कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, कांग्रेस की नीतियों को, कार्यक्रमों को, सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए। घर घर कांग्रेस का जो नारा दिया हुआ है, मैंने सुना 1,00,000 घरों तक हमारे कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। इस प्रकार से जो काम शुरू हुआ है, मैं समझता हूं कि इतिहास दोहराया जा रहा है किस प्रकार से हमारी नौजवान पीढ़ी पूरे देश के अंदर छा जाएगी, और गांधी जी के उस जमाने के जो सिद्धांत थे कांग्रेस के, त्याग के, बलिदान के, कुर्बानी के, लोकतंत्र के, समाजवाद के, धर्मनिरपेक्षता के, उसकी भावना घर घर में पहुंचने में कामयाब होगी, वो कांग्रेस का सपना राहुल गांधी देखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमने जो फैसले किया आपके जहन में है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सरकार बनते ही राहुल जी का आदेश था कर्जे माफ होना चाहिए, हमने किए कर्जे माफ, किसानों के लिए कई योजना लागू करी, पानी के बिल माफ कर दिए, आज गांव में कोई बिल नहीं आएगा पानी का। इस प्रकार से 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं गरीबों को, 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, 25 फैसले होंगे वो चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी आपको राहुल जी को सुनना है किस प्रकार की सोच वो आपके लिए रखते हैं, क्या आप ये अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, और आपको खुद को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, जिसने ये प्रोग्राम चलाया है, आपसे पूछ के फैसला कर रहा है, आपको पूछ के मैनिफेस्टो बना रहे हैं, आपको पूछ के उम्मीदवारों के चयन हो रहे हैं, चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, आप समझ सकते हैं कितना भरोसा आप पे किया जा रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी कैसे आप कांग्रेस के संदेश को, राहुल गांधी के संदेश को घर घर पहुंचाएं, इस बात को करने के लिए आपको बुलाया गया है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार बनी राहुल जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कैंपेन किया, संदेश दिया, एजेंडा सेट किया, बीजेपी को चारों खाना चित होना पड़ा है। हमने वादा किया सुशासन का, हमारी सरकार संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन वाली सरकार होगी, ये बात मैं कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। और फिर मैं राहुल जी को कहना चाहूँगा, विश्वास दिलाऊंगा, राजस्थान में शक्ति का प्रोग्राम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, देश के अंदर उन राज्यों में या हो सकता है पहले नंबर पे हो, इसके लिए मुझे प्रवीण चक्रवर्ती जी को, जो आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं, उनको बधाई देनी है। यही बात करते हैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, इससे पहले सचिन पायलट ने